दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि गर्भ में लड़का हो तो प्रेगनेंसी में क्या संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जैसे कि आप सभी को ही पता है कि आजकल जो है हम किसी भी बच्चे का लिंग जो है पता नहीं कर सकते हैं, और इंडिया में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट इसके ऊपर जो है कार्रवाई होती है, और कोई भी डॉक्टर जो है आपको बच्चे के जन्म से पहले जो है बच्चे का लिंग नहीं बता सकते हैं। तो मेरा मानना भी यही है कि ये जो है भगवान का दिया हुआ एक उपहार होता है, और इसके अंदर जो है हमें ये झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे गर्भ के अंदर जो है क्या चीज़ है और क्या नहीं है, बच्चे का लिंग कौन सा है। तो ये चीज़ें जो है मैटर नहीं रखती हैं। पर लोग जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है कि हर एक माँ बाप को जो है थोड़ी सी जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है कि हमारे बच्चे का अगर हमें लिंग पता चल जाए तो हम जो है थोड़ा सा अपने आप को वो थोड़ा सा खुशी सी महसूस उनको होती है। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों मैं आज आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो संकेत जो है प्रेगनेंसी टाइम पे महिला को महसूस होते हैं कि उसके गर्भ के अंदर जो है लड़का हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या संकेत होते हैं, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर एक सदस्य को ये जिज्ञासा रहती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। सदियों से ये उत्सुकता जो है चली आ रही है, और इस वजह से ही इस विषय को लेकर कई लोगों की धारणाएं और कई तरह की कहानियां और भ्रूण हत्या या भ्रूण पैदा हो गए हैं, या फिर बच्चे के सेक्स का पता लगाने की तरीकों को अलग अलग तरह से जो है वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए। तो आज मैं सिर्फ और नानी दादी के टाइम के जो नुस्खे और जो वो बताती रही कि इस तरह से जो है हम पता लगा सकते हैं अपने बच्चे का लिंग, तो वो चीज़ें सारी दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या होता है दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो जिन महिलाओं को जो है मॉर्निंग टाइम जो मॉर्निंग सिकनेस रहता है, थोड़ी सी जो है उनको वॉमिटिंग, नोजिया या फिर घबराहट रहती है, बहुत ज़्यादा महिलाओं को जो है ये होती है, कुछ महिलाओं के अंदर नहीं होती है। तो ये पहली जो है 70-80% जो महिलाएँ होती हैं गर्भवती महिलाओं को जो है मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये गर्भावस्था की पहली स्टेज होती है, पहली तिमाही में ही ये ज़्यादा देखी है। कुछ महिलाओं को डिलीवरी तक भी ये समस्या रहती है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोनों के बदलाव के कारण जो है मॉर्निंग सिकनेस हो जाता है, और इसका शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। और होता है दोस्तों हार्ट रेट, अगर आपके शिशु का हार्ट रेट जो है 140 बीट है तो लड़का हो सकता है। आपने अध्ययनों के माने तो देखा भी गया है कि जिस बच्चे की हार्ट रेट जो है वो 140 के होती है तो उनके अंदर जो है लड़का होने की ज़्यादा संभावना उसकी होती है। और होता है दोस्तों बालों और त्वचा में बदलाव आना, जैसे कि महिला के बालों के अंदर और त्वचा के अंदर कहते हैं कि अगर पेट में लड़का हो तो स्किन पर दाने नहीं आते, जबकि लड़की होने पर माँ की स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, वहीं लड़का होने पर बाल भी घने और सुंदर रहते हैं। और हार्मोनों के स्तर में बदलाव के कारण जो है त्वचा बालों में बदलाव आता है, हार्मोन बदलाव के कारण जो है स्किन साफ और बाल सुंदर हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह के सिम्टम अगर आपको दिखते हैं अपनी स्किन के अंदर तो लड़का होने के ये सिम्टम होते हैं। और होता है दोस्तों कुछ खाने का मन करना, जैसे कि कुछ महिलाओं का खट्टा खाने का मन करता है, कुछ महिलाओं का जो है नमकीन खाने का मन करता है, तो खट्टी या नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा का मतलब होता है कि गर्भ में लड़का होता है। इस बात को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है। पोषक की कमी या हार्मोनल बदलाव के कारण जो है थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। और जो है अगर देखा जाए जैसे हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक जो है हो सकता है कि आपके बॉडी के अंदर जो है संकेत जो है लड़के की हो। बेबी बम की पोजीशन, प्रेगनेंसी में बेबी बम का नीचे की ओर होना बेटे का संकेत होते हैं। जनरल बर्ड्स में देखें तो थोड़ा सा नीचे की तरफ को अगर झुका हुआ होता है गर्भवती महिला का पेट, तो उसके शिशु का सेक्स जो है वो लड़का होने के चांस हो सकते हैं। और होता है दोस्तों मूड में बदलाव आना, जैसे कि लड़का हो तो प्रेगनेंट
महिला के मूड में ज़्यादा बदलाव नहीं आते हैं। प्रेगनेंसी होने वाले हार्मोन्स बदलाव हो जाते हैं उनके अंदर भी, जैसे चेंजिंग आ जाते हैं जब प्रेग्नेंट होती है कोई भी महिला, तो उसके अंदर जो है नेचुरली ही अपने यहाँ पर जो है बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, बदलाव होते हैं। और इससे भी देखा जाता है कि बच्चे का अगर जो है महिला जो है वो ज़्यादा चिड़चिड़ी और स्ट्रेस में रहती है तो उसको जो है लड़की होने के संकेत होते हैं, और वो खुश मिजाज और जो है थोड़ा आम लक्षण दिखे, और जो है महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग तरह के उसको सिम्टम्स हो होते हैं, तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपके गर्भ में जो है लड़का हो सकता है। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि हम जो है बच्चे के भ्रूण के बारे में जो है हम कोई भी इसमें तथ्य साबित नहीं कर सकते हैं कि हमें जो है लड़का ही हो। ये तो सारा जो है वैज्ञानिकल तौर पे देखा जाए तो एक मनोविज्ञान होता है कि लोगों के मन के अंदर ये धारणा होती है कि हमें जो है पता चल जाए तो थोड़ा सा जो है उनको एक सेटिस्फेक्शन सी मेंटली और फिजिकल तौर पे रहती है। तो यही मेरी मानने यही चीज़ के लिए दोस्तों आज की मेरी वीडियो थी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।